वितर्क हिंसा हिंसादयाः कृतकारिता अनुमोदिता लोभक्रोध मोहपूर्वक मृदु मध्य अधिमात्रा दुःख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। तो प्रतिपक्ष क्या होता है इसका जो है डेफिनेशन नेचर जो है प्रतिपक्ष भावना का वो इसमें बताया है। वितर्का जो रहता है जो अपने अगेंस्ट जो चलते हैं थॉट्स में तो वो क्या होता है वितर्का हिंसा दया है। हिंसा दया मतलब अहिंसा का जो ऑपोजिट है वो हिंसा है, सत्य का ऑपोजिट जो है वो है असत्य। तो ऐसे जो पांच नियम और पांच यम है उसका जो सारे ऑपोजिट है वो वितर्क है। तो हिंसा आदि तो हिंसा दया कृतकारिता अनुमोदिता। कृतकारिता अनुमोदिता मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ने हिंसा लिया तो हिंसा जो है वो कृत मतलब खुद करेंगे, तो कारिता मतलब किसी और से कराएंगे, तो अनुमोदिता मतलब अगर उसका बुरा हुआ और हमने बोला हाँ हाँ अच्छा हो गया जैसा किया जैसी करनी वैसी भरनी, तो उसमें अगर हमने हामी भरी तो हिंसा अगर हमने खुद किया किसी से करवाया या फिर जो हो गया तो हमने हामी भरी, वैसे ही असत्य के बारे में वैसे ही परिग्रह के बारे में। तो सारे जो यम है और नियम है इसके ऑपोजिट जो होता है वो अगर हम करें या किसी से करवाए या फिर वो अगर हो गया तो हमने उसमें हामी भरी तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये है कि वितर्का हिंसा दया कृतकारिता अनुमोदिता। ये जो वितर्का होते हैं वो किसके लिए होते हैं जो हम करवाते हैं या करते हैं या हामी भरते हैं, लोभ क्रोध मोह पूर्वक या लोभ के वजह से करते हैं या फिर क्रोध के वजह से करते हैं या फिर मोह मतलब इग्नोरेंस होता है संस्कृत में। तो लोभ क्रोध मोह पूर्वक इसके वजह से हम लोग ये वितर्का करते हैं। ये 10 प्रकार के जो है जो यम और नियम के अगेंस्ट होते हैं या जो हम खुद करते हैं किसी से करवाते हैं या जो हामी हम भरते हैं, ये तीन वजह से होता है लोभ क्रोध मोह पूर्व का। और ये कैसा होता है वितर का मृदु मध्य अधिमात्रा, या तो वो मीडियम लेवल छोटे लेवल का होता है फीबल लेवल का या मीडियम लेवल का होता है या बहुत अधिक लेवल का होता है मृदु मध्य अधिमात्रा। लेकिन ये सब जो है ये जो 10 के 10 जो क्या देगा हमें दुख अज्ञान और अनंत फला, मतलब दुख से भरा हुआ रहेगा आगे चल के हमको इसका फल मिलेगा। दुख अज्ञान, अज्ञान मतलब अज्ञान ही लाएगा हमारे में, वो ज्ञान नहीं लाएगा। दुख अज्ञान अनंत फला और अनंत फल देने वाला है इस लाइफ में और आगे के लाइफ में। दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। और ये सब पूरे जानना ही इसको प्रतिपक्ष जो है हम ला सकते हैं।